तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। सुबह 6:30 का बैच है और हम डिस्कस कर रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग के बारे में, और हमारी पहली क्लास। इससे पहले हमने काफी क्लासेस में एक्सेल और एक्सेल के फॉर्मूले और बाकी चीजों पे हमने डिस्कस किया और हमने उसको कवर किया, राइट सर। अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि जो हमारा एक्सेल है वो तो हमने इनबिल्ट फीचर्स और बाकी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब चलिए हम वीवीए के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग आखिर है क्या और क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज के बारे में फंडामेंटल होना जरूरी है, क्या सर? क्योंकि थ्योरिकल ये थोड़ा सा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, मतलब कि हमें ग्राफिकल इंटरफेस नहीं देता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, इसलिए हमें थोड़ा सा इसके बारे में ग्राफिक बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए हम उसी चीज के बारे में जानते हैं। तो हम बात करते हैं वीवीए का। वीवीए जिसका फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ठीक है, और इसका कंपाइलर है वीवीई, विजुअल बेसिक एडिटर। अब कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर के बारे में जान लीजिए। देखिए कोई भी जो लैंग्वेजेस होता है, चाहे वो सी हो, जावा हो और पाइथन हो, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज का एक जो कोड हम लिखते हैं, जहां कोड को परफॉर्म किया जाता है, उसको हम कंपाइलर कहते हैं। समझ गए? ओके ओके। आई थिंक आपका ब्रॉडबैंड क्वालिटी में कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है। आशीष जी आपको भी प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। राव जी आपके यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे यहाँ प्रॉब्लम होगा तो सबको होगा सर। ठीक है ठीक है, मैं एक सेकंड मेरा भी चेंज करूँ। तो कंपाइलर हमारा वीवीई है। अब इसको बात करते हैं कि इसके जरिए हम क्या करेंगे, क्या क्या बनाएंगे, तो इस चीज को जान लीजिए। सबसे पहले आता है हमारा मैक्रो। अब एक चीज यहाँ पर और समझ लीजिए कि जो आपका वीवीए है और जो मैक्रो हो, दोनों एक ही है। बहुत सारे लोगों के पास कंफ्यूजन क्या होता है कि जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो मैक्रो कहलाता है, जो कोड करते हैं वो वीवीए कहलाता है। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो क्या है, एक फैसिलिटी है जो कि आपके एक्शन को वीवीए कोड में कन्वर्ट करता है, समझ गए, और बनाता वो भी मैक्रो है, और वीवीए के जरिए हम खुद कोड करके बनाएंगे मैक्रो ही। तो एक चीज पहले क्लियर कर लीजिए। तो सर मैक्रो एक टाइप की प्रोग्राम हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया ना, एक मैक्रो को हम मैक्रो को ऑटो पायलट कह सकते हैं। ओके ठीक है ना, सिंपल सी बात समझ लीजिए। जैसे कि आप एक रिपोर्ट बनाते हैं, राइट, रिपोर्ट बनाने के लिए आप जो है करीब आपको आधा घंटे का समय और 150 स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप समझते हो ना, कि आपने यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया, फॉर्मेट किया, कंडीशन लगाया, फॉर्मूला लगाया, ऐसे 150 स्टेप को फॉलो करने पड़ते हैं, 2 घंटे का टाइम लगता है, राइट? यस सर। आपने क्या किया, उस 150 स्टेप को वीवीए लैंग्वेज में लिख दिया। अब वीवीए लैंग्वेज में क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक्सेल जो है समझता वीवीए को है। मतलब एक्सेल से अगर बातचीत आपको करना है तो आप वीवीए के जरिए ही कर सकते हैं। तो वीवीए के जरिए आपने वो सारे स्टेप्स, मतलब ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, जो भी कहिए, आपने उसको लिख दिया। लिखने के बाद वो एक सब्जेक्ट बनेगा जहां एक ट्रिगर होगा ना, दिख रहा है आपको यहाँ पे ना, ये जहां से हम ट्रिगर करेंगे वो मैक्रो कहलाएगा। मतलब एक क्लब ऑफ वीवीए कोड को हम मैक्रो कहते हैं। ओके यस समझ गए, ठीक है। एक तरह से ऑटो पायलट की तरह काम करता है कि जो इंस्ट्रक्शंस, जो कंडीशंस आपने प्रोग्रामिंग में वीवीए प्रोग्रामिंग के माध्यम से लिख दिया है, वो उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपका रिपोर्ट ऑटोमेटिकली बना देगा। मतलब जो काम आप 2 घंटे में करते थे वो 2 मिनट में या 2 सेकंड में करके दे देगा।
समझ गया? माइक्रो के बाद दूसरा आता है हमारा फंक्शन, मतलब कि आपके पास जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ऐसे खुद के फॉर्मूले आप क्रिएट कर सकते हो। अब इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इतने सारे फॉर्मूले एक्सेल के वो तो हमने सीख ही नहीं पा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि खुद से नया फॉर्मूला और बना लो। तो फंक्शन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इनबिल्ट फंक्शन फॉर्मूले तो आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी इनपुट उनकी आउटपुट फिक्स है ना क्या? हाँ जी हाँ जी। तो कभी कभी जैसे वी लुकअप की ही ले लीजिए, तो वी लुकअप में क्या है कि रिपीटेड वैल्यू को लुकअप करने पे पहले ही दिखाता है, बाकी नहीं दिखाता है, दो कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करता है क्या? तो ऐसी बहुत सारे कंडीशंस में नहीं है, तो हम वी लुकअप को कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो हम एक नया फंक्शन में वी लुकअप को कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके। तो फंक्शन हम दो तरीके के लिए बनाते हैं, फंक्शन हम माइक्रोज के लिए भी बनाते हैं और एक्सेल के लिए बनाते हैं, और एक्सेल के लिए बनाते हैं और माइक्रो के लिए भी बनाते हैं। अब एक्सेल के लिए समझ में आ गया कि हम हमारे लिए जो जो कैलकुलेशन नहीं है या फिर जो फॉर्मूला सही हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है तो हम उसको कस्टमाइज कर लेंगे। माइक्रो के लिए कैसे, जैसे होता क्या है कि मैक्रो में आपने प्रोग्राम लिखा तो आपको हो सकता है कि एक कैलकुलेशन या एक स्टेप एक काम वो आपको 10 जगह पे करना है क्या सर? हाँ जी। अब वो मान लीजिए वो प्रोग्राम माने वो जो 10 जगह पे करना है उसकी 12 लाइन या 10 लाइन की कोडिंग है, तो आपको 10 जगह पे 10 लाइन की कोडिंग में 100 लाइन की कोडिंग हो जाएगी आपकी, आपका मैक्रो का साइज तो बढ़ जाएगा। दूसरा, आप 10 बार आप कॉपी पेस्ट करोगे या फिर मैनुअल लिखोगे, राइट सर? तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन में 10 लाइन कोड कर देते हैं और बाकी जगहों पे जहां जहां चाहिए वहां पर हम कॉल कर लेते हैं। तो फंक्शन हम एक्सेल के लिए बनाते हैं और माइक्रोज के लिए बनाते हैं। अब बात होता है यूजर फॉर्म। अब यूजर फॉर्म क्या है, यूजर फॉर्म हमारे पास इंटरफेस हम उसको बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर आप ये लगाते हैं पिवट टेबल लगाते हैं तो क्लिक करते हैं आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है ना? यस। तो इस तरह की डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूजर फॉर्म को। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर कि हमारे पास ऐसे डेटा होते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा माइक्रो हम बनाते हैं जिसमें कई सारे स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं, ठीक है ना, कई सारे इनपुट डालने पड़ते हैं। तो अगर मान लीजिए पिवट टेबल को ही ले लीजिए कि अगर पिवट टेबल को आप अगर आप कोडिंग के जरिए बनाते, पिवट टेबल ऑप्शन नहीं होता कोडिंग के लिए बनाते, आपको कितना ऑप्शन बनाना पड़ता? पहले ऑप्शन बनाना पड़ता है कि भाई टेबल से डेटा लेना है, दूसरा ऑप्शन बनाना पड़ता है कि भाई एक्सटर्नल सोर्स से लेना है, न्यू वर्कशीट भी रखना है या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट भी रखना है, तो कभी कंफ्यूजन हो जाता ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक पॉपअप दे दिया और पॉपअप में ऑप्शन दे दिया, जो ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो हमारा पिवट क्रिएट हो जाएगा, परफॉर्म करेगा ये, ठीक है ना। तो यूजर फॉर्म इस चीज के लिए करते हैं। तो हम वीवीए प्रोग्रामिंग के जरिए तीन चीजें करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, वीवीई के थ्रू करेंगे, और वीवी आपका कंपाइलर हो गया, वीवी आपका लैंग्वेज हो गया, और आपको माइक्रो फंक्शन और यूजर फॉर्म। एक चीज और सही बता दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो एक्सेल है, सॉरी वीवीए प्रोग्रामिंग है, वो सिर्फ एक्सेल पे नहीं, वर्ड पावर पॉइंट सब पे वर्क करता है, माइक्रोसॉफ्ट के हर एक एप्लीकेशन पे वर्क करता है, ठीक है? ओके। तो हम तीन चीजें करते हैं, ये समझ में आ गया जी? अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे। अब चलिए इसकी सिचुएशंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए सिचुएशन दो है, पहला सिचुएशन है कि आप किसके लिए बना रहे हो इस चीज को जान लीजिए,
आप फाइल जो है किसके लिए बना रहे हो। अगर आप किसी ऐसे पर्सन मतलब कि ऐसी फाइल बना रहे हो जो कि बहुत सारे पीसी पे जाने वाला है मेल मेल के थ्रू, तो हम बोलेंगे वहां पे वीवी अवॉइड करो। ऐसा इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका जो है माइक्रो सिक्योरिटी डिसेबल होता है। तो आप किसी को फाइल मेल करोगे और उसका अगर उसने माइक्रो पे काम नहीं करता है तो उसका सिक्योरिटी डिसेबल होगा, क्योंकि डिफॉल्ट डिसेबल होता है, अनेबल करना पड़ता है। तो क्या होगा, उसके यहाँ माइक्रो परफॉर्म नहीं करेगा, उससे सिक्योरिटी अलर्ट वार्निंग अलर्ट देगा, माइक्रो अनेबल करने के देगा, वो समझ नहीं पाएगा और कहेगा कि इसमें वायरस है, इसको कैंसिल करो। यस यस। तो ऐसे जगह आपको बार बार फोन करके बताना पड़ेगा उनको, या मेल पे लिखना पड़ेगा प्लीज अनेबल द माइक्रोज एंड देन यूज दिस फाइल। तो जल्दी है तो अवॉइड करो। हाँ, आप अपने लिए बना रहे हो तो आप जैसे होता ना कि आपने रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए बना रहे हो, आपने एक फाइल बना दिया, उस पर जो बटन पे क्लिक किया और रिपोर्ट सारी रिपोर्ट क्रिएट करके एक जगह पे सेव कर दिया। जो रिपोर्ट क्रिएट किया है उसको उसमें माइक्रो नहीं लगा हुआ है, माइक्रो किसी और फाइल में लगा हुआ है, उसका काम रिपोर्ट क्रिएट करना है, मेल भेजना है, ऐसे बहुत सारे काम है आपके जो आप अपने लिए करना चाहते हो, तो आप बेधिहाल से माइक्रो यूज कर सकते हो क्योंकि आप माइक्रो के बारे में जानते हो। दूसरी सिचुएशन आती है कि आप किस फाइल पे काम कर रहे हो। देखिए माइक्रो का यूज दो चीजों के लिए होता है, एक होता है रिपीटेड जॉब, एक होता है लेंथी जॉब। रिपीटेड जॉब कि जैसे कि ऐसा काम जो आपको बार बार करना पड़े, राइट? यस यस। तो जो काम को आपको बार बार करना है उसको क्या करेंगे, उसको अगर आप माइक्रो में रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है। आपको ऐसा काम आया जो एक समरी है, उस समरी पे सिलेक्ट करके एक समरी बनाना है उसको, सिर्फ वो तो आप पिवट टेबल से एक मिनट में बना दोगे और इन फ्यूचर में आएगा चाहे नहीं आएगा पे किसी गारंटी नहीं है। तो उस पे अगर आप वीवीए प्रोग्रामिंग लिख के अपना टाइम और अपना एफर्ट वेस्ट ही होगा, तो वहां पे हम नहीं यूज करेंगे। हम वहां पे यूज करेंगे जहां हमारा रिपीटेड जॉब है, मतलब कि ऐसा काम जो बार बार मुझे करना है। दूसरा कि अगर आपके पास मान लीजिए कि अगर आपके पास ऐसा कोई रिपोर्ट आ गया जो कि एक ही बार करना, लेकिन एक ही बार में आपका काफी ज्यादा इसका ये है स्टेप्स। हेलो हेलो। हाँ जी, स्टेप्स है या लेंथी प्रोसेस है? हाँ लेंथी प्रोसेस है। तो मतलब एक लेंथी प्रोसेस जैसे कि एक काम आया था मुझे कि एक एड्रेस था, मतलब कि एक वेबसाइट का यूआरएल था, उसमें से मुझे उसकी यूआरएल को कॉपी करना था, काफी ज्यादा लेंथी था तो मैंने उसके लिए फंक्शन बना लिया था। ठीक है, तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो लेंथी जॉब और रिपीटेड जॉब आपको ये समझ में आ गया। वीवीए कब इस्तेमाल करेंगे, वीवीए हमेशा इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, लेकिन हाँ ऑटोमेशन के लिए इसका इस्तेमाल खास इसलिए है क्योंकि ऑटोमेशन करता है। जैसे कि आपने अगर इसको एक बार बना, आपके पास 10 फाइलें हैं, 10 फाइलें डेली आप बनाते हो, आपने एक बार 200 फाइलों के लिए माइक्रो बना दिया, तो 10 फाइलों के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस क्लिक कीजिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी सर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब होती है प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग माइक्रो कि आपको सीखने से पहले क्या क्या चीज की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो प्रिपरेशन में समझ लीजिए कि सबसे पहले तो आपके पास प्रैक्टिस का टाइम होना चाहिए, राइट? दूसरी थोड़ी सी मैथमेटिक प्रैक्टिस तो करते ही करते हैं।
तीसरी एक्सेल पे कमांड वो आप कर ही लिया है आपने क्या, और चौथी हम शुरुआत में हर स्टूडेंट को एक लिंक देते हैं, ये मेरा नहीं है किसी और का है, बट स्टार्टिंग में मैंने भी इसी लिंक को देखा था तो काफी ज्यादा मुझे फायदा हुआ था। ये आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर 33 तक इसमें दिया हुआ है, इसमें बेसिक बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है इमेजेज और ग्राफिक्स के साथ, ठीक है सर। तो आप जो है इनके चैप्टर को आप एक बार स्टडी करें, excel-bva.com सिंपल है, याद रहेगा, ठीक है सर। हाँ जी सर, हाँ जी। तो ये चीज अब एक बार कर लीजिएगा। दूसरा अब बात करते हैं कि मैक्रो यूज करने से पहले क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले चीज कि आपको डेवलपर टाइप चाहिए, डेवलपर टाइप कहां से आएगा आपको पता है? एक्सेल ऑप्शन में कस्टमाइजेबल से। दूसरा आप फाइल को हमेशा सेव करोगे .xlsxm में, मतलब कि माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। गलती से भी आपने फाइल को सेव कर दिया एक्सेल वर्कबुक में तो आपका माइक्रो लॉस्ट हो जाएगा। तो आप फाइल को सेव करें माइक्रो अनेबल वर्कबुक में और इसको डिफॉल्ट कर लीजिए एक्सेल ऑप्शन में जाके, ठीक है। डिफॉल्ट करना आता है कि नहीं आता है? हाँ सर, ये भी ऑप्शंस में ही होगा। हाँ मैंने बताया था आपको एक्सेल क्लास में, देखिए क्या चीज भूल रहे हैं आप। नहीं नहीं सर, उसी में है, यहाँ सेव पे जाके यहाँ पे आप चेंज कर दो, ठीक है। दूसरा उसके बाद डेवलपर टाइप के अंदर आप माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल कर लें, अनेबल माइक्रो विद नोटिफिकेशन, ये तीन चीज आप इस्तेमाल कर लें। और चौथा एक और चीज है कि पास में एक बड़ी सी डायरी और एक पेन रख लें। क्यों? क्योंकि सर ये कोड है, इतना जल्दी याद होने की चीज नहीं है आपको। तो मैं जहां से मैं अपनी लर्निंग स्टाइल में करता था कि हर कोड को चाहे वो मेरे टीचर ने बताया हो या मैंने खुद से लिखा हो उसको हम लोग लिखते थे, समझ गए सर। तो एक डायरी जो किसी वीवीए कोड हो, मान लीजिए कि वैसे पूरी डायरी आपके वीवीए कोड से भरी हो तो इन फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा वो हेल्प करेगी। और साफ साफ अक्षरों में उसको लिखिए, आपका वो बुक हो जाएगा, आपका अपना बुक हो जाएगा वो, ठीक है। तो डायरी ये तीनों चीज का मेंटेन कर ले और साथ में वो excel-bva वाली प्रोग्राम को पढ़ ले। उसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग माइक्रो, माइक्रो के टाइप्स के बारे में, एल्गोरिथम के बारे में। अभी आपको दो तीन क्लास जो है थ्योरी ही चलेगी, उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर जी। ओके बाय, गुड नाइट, थैंक यू, बाय, थैंक यू।